हाय गाइस, 24 क्लास में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एज पेंट कैसे करते हैं सी लॉर्ड में। ओके, लास्ट वीडियो में दिखा था गाइस, 23 क्लास में हम लोगों ने दिखाया था कैसे कॉम करते हैं। यहाँ पूरा वर्क फ्लो रेडी किया था और आपको को समझाया था शॉर्ट कैसे एनालाइज करते हैं, और हमने गाइस रेंडर भी किया फाइनल। आप इसको कॉपी कर सकते हो रोडिशनोस को एक बार यहाँ पे और 1 2 करोगे तो गाइस हमारा ये इनपुट और आउटपुट है, आप देख सकते हो। तो हमें गाइस एज पेंट करना है, मैं आपको कुछ फ्रेम करके दिखाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप यहाँ देख सकते हो रिड्यूस्ड सिलेंडर है जिसमें हमने पूरा कॉम किया और हमें बहुत सारे इशू हो रहे हैं, जैसे किसी किसी फ्रेम पे आप आ सकते हो। नेक्स्ट फ्रेम देखो यहाँ पे कट रहा है ये, फिर नेक्स्ट फ्रेम आओ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हेयर कट रहा है। तो ये सब फिक्स कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको बस बोलते हैं एज पेंट करना, या फिर आप दोनों मेथड यूज कर रहे हो, मतलब आप कॉम करके पेंट भी कर रहे हो, मतलब न्यूट में आप कॉम किए और उसके बाद आप सीक्वेंस पेंट कर रहे हो, इसको आप इसको दो मेथड बोलते हैं। ओके, तो ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में जब भी शॉर्ट करोगे आपको ऐसा फेस करना पड़ता है जिसमें आपको कॉम भी करना पड़ता है और पेंट भी करना पड़ता है। सो आपको दोनों करना पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सिलोट आप ओपन कर लेना। यहाँ ओपन करने के बाद जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ आपको आना है न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे जहाँ भी आपका पाथ रहेगा शॉर्ट का, वहाँ फाइल सेव करना है। मेरा पाथ जो है 24 क्लास के अंदर है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, पूर्व कुमार के अंदर आऊँगा, सिलोट के अंदर आऊँगा। यहाँ पे इसको वर्क फाइल का पाथ देख के मैं सेव कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा एज पेंट। नेमिंग प्रॉपर रखना गाइस, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपको नेमिंग प्रॉपर रखना पड़ेगा। फ्रेशर नहीं, एक्सपीरियंस को भी नेमिंग प्रॉपर रखना चाहिए जिससे आपका कॉम हर किसी को आसानी से समझ आए, इसलिए आपको नेमिंग प्रॉपर रखना। ओके, तो गाइस अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले आपको इनपुट लेना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे जहां भी गाइस आपका पाथ है इनपुट का, आप वहां चले जाओ। सो जहाँ मेरा इनपुट पाथ है मैं वहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं पहले रिड्यूस नॉइस लूंगा, इनपुट मीन्स रिड्यूस नॉइस जिस पर आपने वर्क किया है। गलती से इनपुट मत लेना क्योंकि आपने रिड्यूस नॉइस पे वर्क किया विदाउट ग्रेन पे, तो आपको विदाउट ग्रेन लेना है। ओके, यहाँ पे बस पाथ पेस्ट करना है और यहाँ पे उसको ओपन करना है, उसके बाद सेम डबल क्लिक करना है फिर से यहाँ पे, और आपको बस आउटपुट लेना जो आपने न्यूब से रेंडर किया था वो आउटपुट यहाँ पे ही है, 4 एज पेंट इसको ले लेना है। दोनों लेने के बाद गैस यहाँ पे आपको न्यू सेशन और यहाँ पर डिफॉल्ट जो भी है आप ओके कर देना। करने का गाइस आपको यहाँ देखो दो है, आपको लिखा है 4 एज पेंट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ करना है आपको है। सो मैंने इनपुट और एज पेंट सिलोट के अंदर ऐड कर लिया। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर जो एज पेंट है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है आउटपुट से, और आपको लेना है पेन नोड। तो नोड में आना है, यहाँ पे पेन नोड लेना है और इसके बीच में पेन नोड अटैच कर देना है। ओके गाइस, ये आपका एज पेंट अटैच करना है आपको ग्रीन कलर में, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया इसको अटैच करना है आपको यहाँ पे, मतलब गाइस ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। अब गाइस आपका जिस फ्रेम में प्रॉब्लम है, पहले आप 1 2 प्रेस करोगे तो आपका काम नहीं करेगा कि आपने क्या वर्क किया है, तो शो नहीं करेगा। 1 3 प्रेस करोगे आप तो आपका ये शो करता है। जब आप जाओगे आगे ना, डबल क्लिक करो एक बार, क्लोन टूल ले लो पहले, और 1 3 करोगे प्रेस तो शो करेगा। 1 2 में शो नहीं करता है, 1 3 प्रेस करोगे क्लोन टूल सेट करके तो आपका ये वर्क करेगा। अब जिस फ्रेम पे गाइस, पहले आप फोकस करो एक मार्कर, अभी जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मार्कर फोकस करता हूँ मैं, यहाँ देख सकते हो कि कट रहा है। तो गाइस ये कट रहा है, मैंने स्पीड मतलब कॉम करके शॉट को जल्दी खत्म किया, पर मुझे ना टचअप करना है इसको, इसको टचअप बोलते हैं, एज पेंट बोलते हैं, या फिर पेंट बोल, मतलब आप न्यूक पे काम करके फोटोशॉप पे भी काम कर सकते हो, शर्ट भी कर सकते हो, ये होता है मैथड। तो 1 3 गाइस जब प्रेस करोगे इसको आपको रिवील करना पड़ेगा, जैसे आप करते हो क्लीन पर वाले समय वैसे ही यूज करना है आपको। मैं इसको रिवील कर देता हूँ, आपका गाइस वर्क नहीं कर रहा है। जब वर्क नहीं करता गाइस, तो यहाँ पे ना इनपुट 3 ऑप्शन दिया है, सोर्स में 3 ऑप्शन, आउटपुट इनपुट सोर्स। तो गाइस आपका जो इनपुट कनेक्ट है वो सोर्स में कनेक्ट है, तो आपको सोर्स लेना पड़ेगा और इसको आप रिवील करोगे तो ये वर्क करेगा। ओके, तो आपका वर्क कर रहा है रिवील। अब गाइस इसको आपको पेंट करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे पेंट करना है, आप गाइस यहाँ सोर्स मत रखना, आउटपुट रखना। और गाइस अब क्या करना, जैसे आप बनाते हो प्रिंट गाइस वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे है, बस यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है ऑपेसिटी। ओके, तो मैं अच्छे से इसको क्लीन करता हूँ। 1 2 प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका पहले कैसा था और अभी कैसा है। ओके, 1 3 प्रेस करेंगे गाइस हम लोग, 1 3 करना प्रेस जिससे आपको दिखेगा कि अभी क्या फाइनल क्या हुआ आपका। ओके, ऐसे करके मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ओके, इसको बना रहा हूँ प्लेट एक फ्रेम पे अच्छे से। रिवील करना है गाइस, तो आपको रिवील में आपको करने के लिए बताया था, रिवील करना है तो आपको सोर्स लेना पड़ेगा और फिर से आपको लेफ्ट क्लिक से रिवील करना पड़ेगा ऐसे। ओके, पर आपको रिसेट करना पड़ेगा एक बार ब्रश को, ऐसे रिवील करना पड़ेगा।
क्योंकि मेरा जो गाइस इनपुट कनेक्ट है वो सोर्स में कनेक्ट है, इसलिए आपको रिवील के लिए सोर्स लेना पड़ेगा और पेंट के लिए आपको आउटपुट लेना पड़ेगा। ये गाइस थोड़ा सिलोट में थोड़ा अलग फंडा है, सो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिलोट भी, ऐसा नहीं कि सिलोट नहीं सीखना है। थोड़ा टाइम दो गाइस, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा सारे सॉफ्टवेयर पे कैसे पेंट करते हैं, सिलोट पे, फोटोशॉप पे, न्यूक पे, सब मैं आपको मेथड बता दूंगा। ओके सो डोंट वरी। तो गाइस अभी देखो आपका क्लीन हो गया है, अब नेक्स्ट फ्रेम आओगे ऐसा रहेगा, नेक्स्ट फ्रेम आओगे ऐसा रहेगा। अब गाइस जब यहाँ पे हो गया, अब फिर जब यहाँ कट रहा है, सेम गाइस आपको रिवील करना है, सोर्स जाना है, ऐसे आपको रिवील करना है, ब्रश को पूरा रिसेट कर लेना, इसको ऐसे रिवील कर सकते हो। और गाइस आप क्लोन बना सकते हो, जैसे लास्ट वीडियो बताया था कि आप क्लोन रेडी कर सकते हो, वैसे रेडी कर सकते हो, डोंट वरी। ओके तो गाइस ये हो गया। अब गाइस बैक फ्रेम, अगर आपको गाइस ये फ्रेम आप देख रहे हो, ये फ्रेम आपको यहाँ पेंट करना है या ये फ्रेम यहाँ पेंट करना है, तो कुछ नहीं गाइस, अगर आपका ये फ्रेम आप रिवील कर लिए हो, आपका ये फ्रेम यहाँ पेंट करना है, तो देखो पेंट गाइस कैसा होता है कि वो देखना है बैक फ्रेम और फ्रंट फ्रेम जंप ना करे। तो अभी गाइस यहाँ पे जो सोर्स थोड़ा मिल रहा है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसको यहाँ डाल दूँ। तो गाइस फ्रेम नंबर क्या है आपका, 8 सोर्स मिल रहा है, मैं डाल दूँ यहाँ पे 7 पे। तो गाइस कुछ नहीं, आपको बस यहाँ आउटपुट करना है, यहाँ पे बस कैजुअली 100 100 डाल देना है, कैप्सुलर की मदद से गाइस आपको मैच कर देना है, जैसे आपको बताया था क्लीन प्रिंट वाले समय सोर्स को मैच करना है, डब्ल्यू प्रेस करके इसको रोटेशन कर लेना है कीबोर्ड की मदद से, ऐसे ऑलमोस्ट लगता है मैच हो गया है, इसको आप कैजुअली ऐसे पेंट कर सकते हो। ओके थोड़ा मोड़ा रिवील कर सकते हो, रिवील के लिए गाइस बताया था आपको सोर्स लेना पड़ेगा और आप इसको रिवील रिसेट करके रिव्यू कर सकते हो। तो गाइस इसी को बोलते गाइस हम लोग एज पेंट। ओके आधा काम उन्होंने न्यू पे किया और आधा काम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो जहां जहां गाइस आपको प्रॉब्लम दिख रहा है वहां पे जाके आप ठीक कर सकते हो। देख रहे हम लोग कहाँ का इशू है, यहाँ गाइस इशू है, तो गाइस यहाँ पे आप ठीक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका हेयर कट रहा है, सेम गाइस आप पहले इसको रिवील कर लो, जितना हो सके रिवील कर लो मैक्स। ओके देखने में गाइस अच्छा लगना चाहिए, ये मैंने रिवील कर लिया। बैक फ्रेम सोर से गाइस पर कैसा है ना वो मैच नहीं हुआ गाइस, क्योंकि ये हेयर पार्ट ना चेंज हो रहा है, आपको देखना पड़ता है गाइस कि अगर हेयर पार्ट ज्यादा चेंज हो रहा है ना तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसको ले नहीं सकते। बट मैं इसको रिवील कर देता हूँ, ये देखो ऐसा है और ये ऐसा है, तो मुझे यूज नहीं आएगा। तो मैं गाइस यहाँ पे फिर से रिसेट करता हूँ ब्रश को, आउटपुट लेता हूँ और यहाँ पे एक प्लेट को अच्छे से ब्लेंड कर देता हूँ, ऐसे करके मैं ब्लेंड ऑपेसिटी को यूज करना सीखो आप। ओके ऐसे ब्लेंड कर दो जैसे देखने में लुक्स लाइक हेयर लगे। ओके अगर आपको ब्लेंड करना है तो ड्रैग टूल भी यूज कर सकते हो, ड्रैग टूल बहुत काम का टूल है गाइस, इसको आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। ओके ये होने के बाद गाइस इसको आप बैक फ्रेम पेंट कर सकते हो, अगर लग रहा है कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, तो इस फ्रेम को गाइस फ्रेम नंबर 17 को आप 16 पे पेंट कर सकते हो। तो क्या करना है, क्लोन टूल लेना है, रिसेट करना है, आउटपुट रहने देना, 17 कर दो यहाँ पे और 17 के सोर्स को मैच करो आप यहाँ पे कैप्सूल की मदद से मैच करो। गाइस आपको देखना है कि वो जो पेंट होता है ना वो जिटर ना करे, बैक फ्रेम फ्रंट में जंप ना आए, बस यही होता है पेंट का मतलब। ओके सो आप देख लो अच्छे से इसको करो, फिर से रिसेट करता हूँ, सोर्स लेता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, मैं इसको रिवील कर दूंगा। रिवील करने के बाद ऐसे करके मैं इसको थोड़ा ब्लेंड कर देता हूँ ऐसे करके। ओके अगर गाइस अच्छा लगता है तो उसको आप रख सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू करो। ओके फिर गाइस ये सेम गाइस क्लोन टूल लेके सोर्स लेके इसको आप रिवील कर दो। आपको गाइस हर फ्रेम अगर चेक करना है कि कहीं पे आपका एज नहीं कटना चाहिए। ओके ऐसे कर गाइस। ओके तो गाइस ऐसे करके ना आप हर फ्रेम को अच्छे से मेंटेन कर दो, जहाँ पे आपको अच्छे से ये एज पेंट हो जाए। ओके जहां पे गैस कट रहा है या फिर गैस आपको कोई पेंट करना, जैसे स्टार्टिंग फ्रेम पे गैस दे सकते हो आप, ये पेंट करना चाहते हो तो गैस आप नॉर्मल गैस ये सोर्स नहीं मिल रहा है तो उसको आप कैजुअली क्लीन भी कर सकते हो, सिंगल फ्रेम जैसे बनाते हो प्लेट ना वैसे ही आप उसको कैजुअली क्लीन कर सकते हो ऐसे नॉर्मल, इसे अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए
ज्यादा इशू ना है, इसको ऑपेसिटी कम बेसी करके ऐसे करके करके गाइस आप राइट क्लिक करके भी रिवील कर सकते हो, पर वो रिवील ना इससे रिवील होगा, इससे रिवील नहीं होगा। तो आप देख सकते हो गाइस ऐसे करना, रिवील थोड़ा करते हैं सोर्स लेके, ब्रश को रिसेट करते हैं ऐसे करके, और इसको जितना अच्छा कर सकते हो गाइस क्वालिटी देना आप, क्योंकि मैं क्वालिटी नहीं दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल के हिसाब से मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। आप अच्छे से क्वालिटी देके बनाना, शॉर्ट्स को हमेशा क्वालिटी रखना ऐसे करके, ओके। सो गाइस ये हो गया आपका पेंट। अब नेक्स्ट फ्रेम पे जाओगे गाइस, यहाँ पे आप पेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सोर्स नहीं मिल रहा है गाइस। अगर सोर्स मिला तो ले लो, अगर नहीं मिला तो गाइस आप इसको क्लोन कर सकते हो एज यूजल, आउटपुट लेके रीसेट करके कैजुअली ऐसे आप क्लोन कर सकते हो। देखने में बस अच्छा रहना चाहिए गाइस, बस यही होता है। तो इतना हो गया, ऐसे करके आप क्लीन कर सकते हो। सो गाइस मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया, आप वन थ्रू प्रेस करोगे। अब गाइस इतना होने के बाद मुझे चाहता हूं कि स्टोक रेंडर जितना मैंने काम किया है सिर्फ वही काम को मैं डालू न्यू के अंदर। बहुत लोग गाइस क्या करते हैं, पूरा रेंडर मार देते हैं जैसा ये है ना वैसा ही, ये आरजीबी रेंडर मार देते हैं, ऐसा नहीं गाइस। आपने जितना वर्क किया है उतना ही स्टोक रेंडर निकालने का, उसको न्यूक में कंपाइल करने का और उसको रेंडर मारने का न्यूक में फाइनल जाके, ओके। तो गाइस क्या करना है, इसको आपको यहाँ अटैच कर देना है इसमें, ओके। उसके अंदर जहां जहां आपने काम किया है वहां पर अल्फा बन जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आउटपुट डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको आना है, जो भी रहेगा यहाँ पे नाम रहेगा शॉर्ट का PNG या EXR जो भी रहेगा यहाँ पे एक्सटेंशन दे देना, मेरा PNG है यहाँ पे, ओके। sRGB अल्फा प्रीमट आप कुछ भी ले सकते हो, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे प्रीमट ऑन करता हूँ और अल्फा ऑन करता हूँ और sRGB ऑन करता हूँ। यहाँ मैं पाथ देता हूँ, जहां पे आपका शॉर्ट का पाथ है वहां दे दो आप, मैंने यहाँ पे पाथ दिया, यहाँ लिख दिया मैंने एज पेंट स्टोक वर्जन 1, ओके। यहाँ पे सेम गाइस एज पेंट लिख के वर्जन 1 कर दिया मैंने, और गाइस यहाँ पे नेमिंग दे दिया, और यहाँ पे आपको रेंडर कर लेना है। आउटपुट सेट के ऑल रेंज कर देता हूँ मैं रेंडर, आप अगर रेंडर होने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे गाइस आपका फाइनल था, तो जहां आपने रेंडर किया उसका पाथ ओपन कर लो आप, मैंने पाथ ओपन कर लिया, यहां पे मेरा एज पेंट है, इसको मैं कॉपी करके या फिर ये ड्रैग करके कर सकता हूं, और यहां पे मर्ज नोड लेके इसको बस फाइनल पे अटैच कर दूंगा। तो जहां जहां गाइस मैंने काम किया है फर्स्ट फ्रेम पाते हैं, तो मैंने यहां पे काम किया गाइस तो ऑटोमेटिक ले लिया, ओके गाइस जो अल्फा आ रहा है तो गाइस ये ऑटोमेटिक ओनली स्टोक रेंडर लिया, पहले मेरा ऐसा आउटपुट था अभी ऐसा है। देखो जहां जहां गाइस मैंने काम किया है वहां पे ही सीधे स्टोक शो करेगा, क्योंकि गाइस मैंने स्टोक रेंडर किया है, तो हमेशा स्टोक रेंडर ही करना उसके बाद ही अटैच करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक आरजीबी रेंडर मार देते, ऐसा मत करना। जहां जहां आपने वर्क किया है उसके हिसाब से ही आप रेंडर करना, से 1 2, तो जहां जहां आपने वर्क किया है उतना ही काम दिखना चाहिए, 1 2 सी, ओके। तो गाइस आपका ये हो गया टचअप। अब गाइस आप ग्रेन करके, जैसे बताया था वो ग्रेन कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस करके आप फाइनल रेंडर कर सकते हो, वो ग्रेन डालते हो सारा मेथड अभी यूज करके आप शॉर्ट भेज सकते हो QC के लिए। सो गाइस यही था एज पेंट, ओके। सो आज के इतना ही, सो थैंक यू गाइस।